इस मौसम जरूर खाएं एक मूली रोज, होते हैं ये अनगिनत फायदे। लंबी और पतली सी दिखने वाली मूली को लोग बहुत पसंद से खाते हैं। सर्दी की सब्जियों में सलाद में खीरे टमाटर के साथ मूली का भी समावेश हो गया है। मूली में प्रोटीन, कैल्शियम, गंधक, आयोडीन तथा लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन तथा मैग्नीशियम भी होता है। मूली केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके चिकित्सकीय गुण इतने अधिक है, न केवल मूली बल्कि इसके पत्ते भी कफ, पित्त और वात तीनों दोषों को नाश करने में मदद करते हैं। मूली को कच्चा खाना विशेष रूप से लाभ देता है। मूली पतली ली जानी चाहिए। ज्यादातर लोग मोटी मूली लेना पसंद करते हैं क्योंकि वही खाने में मीठी लगती है, परंतु गुणों में पतली मूली अधिक श्रेष्ठ है। मूली सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद कर सकती है। जी हाँ, मूली खाने से जुकाम से बच्चे रह सकते हैं, इसलिए इस मौसम में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाने में मूली को शामिल जरूर करें। पेट संबंधी रोगों में यदि मूली के रूप में अदरक का रूप और नींबू मिलाकर नियम से पिया जाए तो भूख बढ़ती है और विशेष लाभ होता है। यदि सूखी मूली का कढ़ा बनाकर जीरे और नमक के साथ उसका सेवन किया जाए तो न केवल खांसी बल्कि दमे के रोग में भी लाभ होता है। पीलिया आदि होने पर, जो कि सामान्यतः लीवर के खराब होने से होता है, मूली का सेवन विशेष लाभ देता है। मूली शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ऑक्सीजन प्रदान करती है। थकान मिटाने और अच्छी नींद लाने में मूली का विशेष योगदान होता है।